आपका स्वागत है। तो आज मनोरमा किचन में बनेगा मैगी मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं मैगी मसाला बनाना। ये देखिए कितना अच्छा बना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैगी मसाला के लिए हमने लिया है ये आधी चम्मच काली मिर्च, 5-6 लौंग, छोटी इलायची 4-5, ये दालचीनी लिया है मैंने, आधा चम्मच मेथी लिया है, 1 चम्मच सौंफ लिया है, 5-6 लाल मिर्च लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 चम्मच ये धनिया लिया है साबुत धनिया, 2 तेज़पत्ता लिया है। तो चलिए इसको हम भून लेते हैं, हल्का रोस्ट करना है। तो हम गैस जला लेते हैं। गैस जला के इसमें हम ये जो मसाला भूनना है, तो कढ़ाई गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम ये जीरा डाल देंगे, ये देखिए, ये धनिया डाल देंगे, लाल मिर्च भी इसी में डाल देंगे, दो तेज पत्ता डाल देंगे, अभी बताइए कैसे रख के दिख रहे हैं, काली मिर्च डाल देंगे और ये मेथी और दालचीनी, हरी इलायची ये भी डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, लौंग डाल देंगे। अब इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। बस हो गया। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे। बस ये 2 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं। बस ये खुशबू आने लगा, अब इसको हम गैस को बंद कर लेते हैं। तो ये ठंडा हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे ये मसाला जो भुने थे, डाल दिए। अब इसमें हम नमक लेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच ऑनियन पाउडर, आमचूर पाउडर, गार्निश पाउडर, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, जिंजर पाउडर और 1 चम्मच ये चीनी। अरारोट लिया है, इसे भी डाल देंगे, पीस के, सब पीस के फिर दिखाते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए मैगी मसाला पिस गया, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा। तो चलिए इसे हम निकाल लेके दिखाते हैं आपको। तो हम पहले चीनी पीसे थे, हम थोड़ा सा ऐसे मुंह में आए, तो इसको हम इसी में डाल देंगे चीनी में, और ऐसे मिक्स कर देंगे। और इसको हम चलिए इसमें से जार में से निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने मैगी मसाला बना के रेडी कर दिया है। आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं उसमें 1 चम्मच ये डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे भरपेट खाएंगे, आराम से खाएंगे। तो ये देखिए, अगर मेरी वीडियो इसकी अच्छी लगी हो मैगी मसाले की, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।